वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण हमें सोनीपत में देखने को मिला है, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बहुचर्चित मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चारों दोषियों पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार मूल रूप से बिहार की रहने वाली महिला ने 9 अगस्त 2021 को पुलिस को शिकायत दी थी कि वो और उसका परिवार कुंडली थाना क्षेत्र के एक गाँव में किराए के मकान में रहते हैं। उसी के पड़ोस के रहने वाले चार युवकों ने जबरन उसके घर में घुसकर उसी के सामने पहले दो नाबालिग बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, बाद में कीटनाशक पिलाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। साथ ही किसी को बताने पर उसे और उसके बेटों को जान से मारने की धमकी दे डाली, जिस पर पुलिस ने पीड़िताओं की मां के बयान के आधार पर चारों आरोपियों को काबू कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद आज अदालत ने 2 साल 1 महीने और 10 दिन बाद फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। आज सोनीपत कोर्ट सुरुचि अटरेजा फास्ट ट्रैक कोर्ट से चार आरोपी अरुण, रामसुहाग, होलचंद और दुखन, इन चारों को फांसी की सजा दी गई है 376 सेक्शन में और 302 सेक्शन में। ये 2021 की घटना है। इस घटना में दो नाबालिग लड़कियों के साथ इन चारों आरोपियों ने सामूहिक बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद कीटनाशक दवाई पिलाकर उनकी हत्या भी कर दी गई। खाली बलात्कार ही नहीं, उन्होंने इसकी हत्या करके ये बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और इस FIR में चारों बाय नेम FIR हुई थी चारों आरोपियों की। और जैसे कि आज अदालत ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी है, ये बहुत ही बढ़िया फैसला है। इससे समाज में एक मैसेज कन्वे होगा, भाई अगर ऐसा क्राइम किया जाएगा तो फिर सजा कोर्ट ऐसे देगा। राव में इसमें मामला दर्ज हुआ था सोनीपत की बात करें, साथ चारों आरोपी कहाँ के रहने वाले थे? ये एक्चुअली बिहार के रहने वाले थे और चारों आरोपियों ने, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सामूहिक बलात्कार किया गया था, तो 376 सेक्शन DA और उनके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, तो सेक्शन 302 सेक्शन 34 इसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था और इनसे रिकवरी भी हुई थी। और जैसा कि कोर्ट ने इन सारी एविडेंस को अप्रिशिएट करते हुए बहुत ही बढ़िया फैसला दिया। बहरहाल अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले से जहां पीड़िताओं की मां को न्याय मिला है तो वहीं चारों दोषियों को सजाए मौत। आशा है ये ऐतिहासिक फैसला भविष्य में ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को सबक सिखाने का काम करेगा। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।